आइए सुनते एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है, परिस्थितियाँ हालात कैसे भी हो उस पर काबू कैसे पाया जाता है और काबू पाकर जीत कैसे सकते हैं। तो ये छोटी सी कहानी है हमारे एक विद्वान साइंटिस्ट की, जो कि न्यूटन और आइंस्टाइन के ज़माने के हुआ करते थे। ये विद्वान साइंटिस्ट ऐसे थे कि जिन्हें बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, गेस्ट लेक्चर के तौर पर या मोटिवेशनल लेक्चर के तौर पर उन्हें आमंत्रित किया करते थे। ये वहाँ जाते थे, लोगों को गाइडेंस करते थे, स्टूडेंट को गाइडेंस करते थे। इसी सिलसिले में उन्हें एक यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट किया गया कि आप आइए और यहाँ के लोगों को और स्टूडेंट को क्या कीजिए, गाइडेंस कीजिए। बस इस सिलसिले में ये और उनका ड्राइवर हमेशा की तरह उस यूनिवर्सिटी की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में निकलते निकलते जो हमारे विद्वान साइंटिस्ट थे उनकी जो तबीयत जो है थोड़ी बिगड़ने लगती है। तो तबीयत बिगड़ने लगने की वजह से वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि आज तो दिल कह रहा है कि आज का जो सेमिनार है, ये जो गेस्ट लेक्चर है, उसे हम क्या करते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं। तो इस पर उनका ड्राइवर कहता है कि सर आप पोस्टपोन मत कीजिए, कितने सेमिनार में आपके साथ आया हूँ, हमेशा की तरह आप एक ही स्पीच देते हैं, एक ही बात कहते हैं और आप जो बोलते हैं पूरी तरह मैं ऑडियंस में बैठ कर सुनता था और मुझे सब कुछ याद हो गए। और ये जो यूनिवर्सिटी के लोग हैं, इन्होंने तुम्हें और मुझे देखा नहीं है, इन्हें क्या पता कि कौन साइंटिस्ट है और कौन ड्राइवर है, इसलिए हम क्या करेंगे, कपड़े एक्सचेंज करके आप मेरे ड्राइवर के कपड़े पहन के ऑडियंस में बैठ जाना और मैं आपके कपड़े पहन कर सेमिनार कंडक्ट करूँगा। बस दोनों में डिसाइड होता है और वो वहाँ यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं। वहाँ जाकर सेमिनार स्टार्ट होता है। ये जो साइंटिस्ट बना हुआ ड्राइवर था, ये इतनी खूबसूरती से सेमिनार को डिलीवर करता है, इतनी खूबसूरती से सेमिनार कंडक्ट करता है कि सारा हॉल तालियों से गूंजने लगता है। जो विद्वान साइंटिस्ट है उनसे भी बेहतर स्पीच देता है और फिर से सारा हॉल तालियों से गूंजने लगता है। लेकिन जब सेमिनार ख़त्म होता है तो लोगों को अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग क्यूरीज आती है। तो ऑडियंस में से बैठे हुए एक शख्स ने अपना हाथ ऊपर कर उस साइंटिस्ट बने ड्राइवर से इतना भारी क्वेश्चन पूछता है कि उसका आंसर ड्राइवर को नहीं आता है। बस ऑडियंस में बैठे हुए विद्वान साइंटिस्ट जो ड्राइवर के कपड़े पहने बैठे हुए थे, वो घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि इन लोगों के सामने अब हमारा भांडा फूट जाएगा और हम जो है इन्हें पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो साइंटिस्ट बना ड्राइवर वो हंसता है और मुस्कुराता है और जिसने क्वेश्चन किया उसे कहता है कि आप इतना आसान क्वेश्चन किस तरह पूछ सकते हो। इतना आसान क्वेश्चन का आंसर जो ऑडियंस में बैठा हुआ मेरा ड्राइवर है वो दे सकता है। और जो ऑडियंस में बैठा हुआ था ड्राइवर, वो कौन था, विद्वान साइंटिस्ट था, वो खड़े रहते हैं और उस क्वेश्चन का इतना प्यार से आंसर देते हैं कि फिर से सारा हॉल तालियों से गूंजने लगता है। तो ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हालात कैसी भी हो, उस पर सोच समझ कर फैसला लेने से आप जीत सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं।